हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाने वाली है 2021 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जनरल ओबीसी एंड एससी एसटी के अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें जनरल की, तो यहाँ पर बात ये आती है फ्रेंड्स कि अगर आपको तीनों को मिलाकर अगर आपके 230 बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मिनिमम की हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट डाइट की। तो अगर आपके फ्रेंड्स 230 तक बन रहे हैं मिनिमम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपके गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट डाइट मिलने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। वे स्टूडेंट जो जिनके फ्रेंड्स 230 से अबव मार्क्स है, मतलब कि अबव है मतलब तीनों की परसेंटेज को ऐड करके, तो फ्रेंड्स आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके जो है 90% चांस है गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन होने की। बट ये मैं नहीं कह सकता कि आपके जो है पास के डाइट मिलेंगे या आपको मनपसंद के मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में कहीं भी मिल सकता है। बट फ्रेंड्स जो आप चॉइस फील करेंगे, जब आप चॉइस फील करते हैं प्रेफरेंस में, तो वे डाइट जो है आपको पहले रखना है जिसमें आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स प्रेफरेंस में जो है आपको पहला स्थान जो है उन्हीं कॉलेजेस को देना है जिसमें आप जो है एडमिशन पहले लेना चाहते हैं, मतलब कि रेफर करना चाहते हैं, तो इसलिए जो है आपको पहले उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं 95% चांसेस की बात करूँ गवर्नमेंट डाइट की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड अगर आपके मार्क्स फ्रेंड्स 240 से अबव है, मतलब कि तीनों को ऐड करके मान लीजिए, तो 240 अगर आपकी बन रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है अगर आप कम से कम 20 से 30 डाइट या फिर फ्रेंड्स कम से कम 20 लगा लें, अगर आप चॉइस फील करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका काफ़ी चांस बढ़ जाता है, 95% चांस हो जाता है आपका गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन होने का। एंड अब हम ओबीसी की बात कर लेते हैं मिनिमम, तो वे स्टूडेंट जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं एंड जिनके मार्क्स फ्रेंड्स कम से कम 230 है, ओबीसी एंड जनरल में कोई ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर छूट नहीं दी जाती है, 230 अगर आपके बन रहे तीनों को मिलाकर, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है गवर्नमेंट डाइट मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो 90% चांस है अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, अगर आपकी ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है रिन्यू नहीं है, तो इसको जो है रिन्यू करवा लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार ऐसा हुआ है दिल्ली डाइट, मतलब कि दिल्ली में जो बच्चे डीएलएड करते हैं उनका फ्रेंड्स काउंसलिंग मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम उनका जो है एडमिशन रिजेक्ट कर दिया गया था, उनका कैंसिल कर दिया गया था, बिकॉज फ्रेंड्स उनके जो ओबीसी के सर्टिफिकेट थे रिन्यू नहीं थे इस वजह से, एंड स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग पता भी नहीं था, ओनली फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था। तो आप जो है एक बार प्रोस्पेक्टस को भी देख लें, क्या उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो ज़रूर जो है आप इसको रिन्यू करवा लें। एंड अगर हम एससी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 210 तो आपको जो है रख के चलना है, बिकॉज फ्रेंड्स एससी की कट ऑफ भी जो है कम नहीं जाने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो 200 से 210 आपको रख के चलना है अगर आप सोचते हैं कि आपके 95% तक चांस हो गवर्नमेंट डाइट मिलने की। उसके बाद हम अगर एसटी की बात करें फ्रेंड्स, तो कम से कम आपके जो है 190 से अबव होनी चाहिए, मतलब कि 200 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। एंड इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की क्या आपके जो है कट ऑफ जाने वाली है। यहाँ पर जनरल की है, यहाँ पर जो है ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है। ये सभी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मैं आपको जो है प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बताया हूँ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि इस बार जो है कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि कट ऑफ जो है हाई जाती है। बट फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट, जैसा कि आपको भी पता है कि जो अच्छे मार्क्स जिनके आते हैं फ्रेंड्स, तो ये सभी स्टूडेंट बीएड करते हैं। बीएड में आपका एक बेनिफिट ये भी है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है आप पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए मतलब कि एलिजिबल हो जाते हैं जब कोर्स करने के बाद। बिकॉज फ्रेंड्स जब आप डीएलएड करते हैं, तो यहाँ पर जो है आप ओनली पीआरटी के लिए हो पाते हैं एंड टीजीटी के लिए। टीजीटी में भी फ्रेंड्स आप 6 से 8 तक के लिए हो पाते हैं, बट बीएड का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है आप पीआरटी टीचर भी बन जाते हैं, टीजीटी भी बन जाते हैं एंड पीजीटी भी बन जाते हैं जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो बीएड का ये फ़ायदा है। इसलिए फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीएड की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार की कट ऑफ जो है कम जा सकती है, प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया है एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसको बताया है। एंड फ्रेंड्स जिन भी प्रोस्पेक्टस को एक बार आप जो है सही से देखें, ओबीसी की सर्टिफिकेट फ्रेंड्स दिल्ली टाइट में जिन बच्चों का एडमिशन होना था उनका जो है कई बच्चों का रिजेक्ट हो गया जिनका ओबीसी का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं था, इसलिए जो है आपको रिन्यू करवा लेना है। एंड सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको ऑलरेडी अरेंज करके रखना है, बिकॉज फ्रेंड्स जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस टाइम जो है आपका
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है, एंड उसमें अगर आपके कुछ भी मिस्टेक होते हैं, उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होते हैं, तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, टाइम नहीं दिया जाता है। इसलिए अभी से जो है आपको कर लेना। एंड गाइस, मैंने जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए अरेंज करना है अभी से, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, तो कमेंट बॉक्स में उसका जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।